थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे दिखा। चाय निकलने वाली है हमारी यहाँ पे। ओ भाई साहब, या तो बालू है वो, देखो वो देखो वो देखो उस पेड़ पे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे 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 उधर क्या क्या अरे भालू है, पागल भालू है ना। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से फिट होंगे। उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो आपको बहुत पसंद आ चुका होगा। तो आज आपको पता ही, आज हमें कैंपिंग पे जाना है, तो आसिफ भाई का वेट कर रहा हूँ और मुझे सामान भरना है बैग में। तो चलिए भरते हैं सामान बैग में और आसिफ भाई का वेट करते हैं, जब तक वो आते हैं उनका भी सामान फिर बैग में भरते हैं। तो चलिए, कहा अभी हमारी पैकिंग नहीं हो चुकी है, अभी हम पैकिंग करने वाले हैं। तो आसिफ भाई ये रहे, ये अभी आ चुके हैं। तो चलिए जी, हम पैकिंग करते हैं फटाफट और फटाफट निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम निकल चुके हैं और अभी 11 बज चुके हैं, कम से कम हम 12 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। तो चलिए जी, चलते हैं, चढ़ते हैं गाड़ी में, क्योंकि हम लोकल जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, फिर हमें पार्किंग का बहुत मसला है। तो इसलिए हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे, हम लोकल में ही जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा न्यू प्लेस पे। पहुँच चुके हैं कुलगाम सुमो स्टैंड, अभी लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी मैगी और दूध लेना है, दूध लेना है हमें। और आप गाड़ी देखेंगे वहाँ की भी, अगर गाड़ी वहाँ की मिली तो उसी जगह पे जाएंगे, अगर नहीं मिली तो फिर हम दूसरी जगह का प्लान करेंगे, चलते यहाँ से चलते हैं। तो फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, देखते हैं क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। फिलहाल आप चेकआउट करिए कुलगाम का सुमो स्टैंड, तो चलते हैं फिलहाल। गाइस हम आड़ीगत में पहुंच चुके हैं, ये आड़ीगत में पार्क है। तो आसिफ भाई ये रहे, इनने बैग फेंक दिया क्योंकि ये उठा नहीं पाते, बहुत कमजोर है ये। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि परमिशन यहाँ पे लेनी नहीं पड़ती क्योंकि अभी चालू नहीं हो चुकी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और इसका क्या है ना कि आगे इसकी दूसरी मतलब क्या है ना बस्ती है, तो देखते हैं अगर हमारा प्लान वहाँ तक बन गया तो हम वहाँ तक जाएंगे। और आसिफ भाई पीछे आ रहे हैं, इनसे बैग भी नहीं उठ रहा क्योंकि ये बहुत कमजोर है। आसिफ भाई क्या बोलना चाहते हो भाई, बैग बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो कल क्या करोगे, कल और सामान बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम तो दिन के अभी बॉडी बनाएंगे, अभी तो हम दिन के सफर पे आए हैं, मतलब रात तक हमें वापस आना है। अगली बार जब हमारा ये होगा कि मतलब नाइट आउट होगा हमारा, तो तब तो सामान हमें बहुत चाहिए होगा जी, बिल्कुल एक्सेसरीज भी बहुत चाहिए होगी जी, बिल्कुल तब उठाना पड़ेगा ना आपको। तो चलिए जी, फिर दूसरा बैग भी लाएंगे आधा। हाँ वो तो है ही। हाँ तो चलिए जी, अभी चलते हैं हम ऊपर, देखते हैं कहाँ से रास्ता है इसका। बट जो बताया गया है कि ये रास्ता इधर सामने से एक प्लेस है, मतलब जहाँ बैठने की जगह है, सब कुछ है। बट इसके आगे जो बताया गया है कि वहाँ पे एक बस्ती है, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, बस वहाँ के लिए रास्ता नहीं खोला गया है। बट हम जा रहे हैं तब भी क्योंकि हमें जाना है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको हम आगे। यहाँ पे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से फेंसिंग है जो मुझे पार करनी है, बट मुझे लगता है कि कर सकता हूँ, अब नहीं पता करूँगा या नहीं करूँगा। आसिफ भाई आप फोन पकड़िए जी जी, और जी, मैं जी। इसको क्रॉस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिद भाई ध्यान से कहीं, देखा मैंने बोला था तुझे मैं कर पाऊंगा, तूने बोला नहीं, तू बैग के साथ नहीं कर पाएगा, बट कर पाया हूँ। मुझे लगा बैग का वजन ज्यादा, आप नहीं कर पाओगे इससे ज्यादा, तो मैं डंबल उठाता हूँ, ये तो मेरे लिए है ही नहीं कुछ। चलिए ऊपर चलते हैं, टांगे पूरी थक गई। हाँ जी टांगे पूरी थक गई भाई साहब, एक जगह पे तो हम आ चुके हैं, ये टॉप है इसका, बट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे दिखा। वापस से वापस है, ये देखो ये स्लिप कर रहा है, शोर मत कर जरा, तू ऊपर आसिफ मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई। हाँ जी आसिफ भाई यहीं तक जाते हैं, पता है कि वहाँ से नहीं जाना, वहाँ से मत जा, गिर सकता है भाई। हम ये भी स्टे करने वाले क्योंकि ऊंची जगह है, बस थोड़ा सा वहाँ पे दिख गया था हमें कोई जानवर था, बट हमें वो नहीं पता था वो जानवर क्या था, वो हमें देख के बहुत तेज़ भाग गया। बट हम यहीं पे स्टे करने वाले, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ऐसे भाई यहीं पर टेंट लगाते हैं भाई, क्योंकि मेरी जान कुछ जो दिखा ना, कोई गारंटी नहीं है भाई क्या मिल सकता है ना, तो हम यहीं पे टेंट लगाएंगे क्योंकि ये बहुत टॉप है, नीचे नहीं है हम। देखिए भाई साहब बहुत ऊपर तक आ चुके हैं, आसिफ भाई ने मुझे लगता है बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि इनमें इतनी जान नहीं थी, ये यहाँ तक आ सकते हैं। जूता देखो कौन सा पहन के आए भाई, सपोर्ट शूज पहन क्या यार, ये मेरी तरह देखो सपोर्ट्स, पूरा सपोर्ट्स लेके आओ ना यार जान मेरी। तो अभी हम टेंट यहाँ पे लगाने वाले हैं आसिफ भाई, चलिए 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद। आसिफ भाई ने टेंट खोल दिया और मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, क्योंकि मैं वहाँ से नीचे गया हूँ बहुत अंदर तक, क्योंकि लकड़ी ढूंढने वहाँ पे क्या मिली मुझे, दो, क्योंकि बाकी सारी गीली थी, मैंने बोला
फेंक दो इनको, मुझे आग ही नहीं जलानी क्योंकि मैं बहुत नीचे तक गया, कुछ लकड़ियाँ नहीं मिलती। तब भी कहना सपोर्ट तो मिल जाएगा इनसे। अभी आशिफ भाई टेंट निकालने वाले, तो हम पहले पहले ट्राइपॉड लगाते हैं कहीं जगह पे, फिर हम टेंट लगाते हैं। तो आशिफ भाई निकालिए आप इसमें से ट्राइपॉड और हम टेंट लगाते हैं। तो मैं कपड़े ठीक, हाँ नहीं मैं पहनता नहीं हूँ अभी, मैं नहीं। गाइस हमारा टेंट लग चुका है यहाँ पे, टेंट को हमने रेडी कर दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हो हमारा टेंट कैसा है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी जगह पे है क्योंकि हम टॉप पे आ चुके हैं, हमने नीचे नहीं लगाया टेंट। देखिए जी हम टॉप पे आ चुके हैं, कहीं पे नज़र नहीं पड़ेगी आपको, हर जगह आपको बस पेड़ दिखेंगे। और आशिफ भाई यहाँ पे ट्राइपॉड पे थोड़े से शूट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें जाना है दूसरी बस्ती पे जहाँ हम जाने वाले हैं। और बस एक चीज़ का टेंशन रहेगा टेंट का, या तो हम इसको वापस करेंगे पैक या तो फिर यहीं पर रखेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। बट हमें आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे दूसरी बस्ती कहा गया, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो चलिए जी अभी करते हैं इसको स्टार्ट, अभी हम अपने लिए चाय बनाते हैं, इसको करते हैं ऑन ऊपर। चलिए चलिए जी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखिए जाहिद भाई, अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया और गैस भी ऑन है, तो अभी देखते हैं कितने टाइम तक ये गर्म हो जाएगा। बट वहाँ पे जितना मैंने इसका देखा था ना, फ्लेम बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम पीते हैं चाय क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने तो बिस्किट ही नहीं लाए। अरे यार दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। वहाँ दुकान भी नहीं है नीचे है नहीं है नहीं नहीं है यार, देखा बिस्किट लाना भूल गए। तो चलिए जी होने दो पहले पानी को गर्म। तो इसमें अभी पानी गर्म हो रहा है, तो इसको बस अब क्या करना है, चीनी और चाय डालना है। पहले चाय डालनी है, तो चलो आशिफ भाई दूध भी डालना है भाई। तो पहले इसमें चाय डालिए। चाय डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी चाय काफी है? बहुत है। चलो जी बेहतरीन बेहतरीन। ओ दूसरा चम्मच का है इसका, बैग में गिर गया होगा वो, अंदर ही होगा फिर देख लेना। और एक धूप भी हम पे है माशाल्लाह। तो बोल रहा था मैं ये देखिए ये सूरज हमारे पे आ गया है अभी। थैंक यू गॉड। और देखिए हमारी चाय बन चुकी है। आप दूध का है? दूध बैग में था ऊपर वाले। अल्लाह रहमान रहीम। पूरा प्रोफेशनल प्रोफेशनल चाय वाला। हाँ वो जो एक बनाता ना इंस्टाग्राम पे वीडियो, या डॉली भैया। हाँ डॉली भैया कुछ ऐसा ही नाम है। चाय निकलने वाली है हमारे यहाँ पे। ओ भाई साहब आशिफ भाई फूक मार रहे हैं, इस फूक से क्या होगा ये बताओ पहले मुझे। इससे चाय बाहर नहीं गिरती। अच्छा गाइस जाहिद भाई अभी चाय डाल रहे हैं कप में। कमी कमी क्योंकि दोनों को मिलनी चाहिए। अरे दोनों को छोड़, तूने कितना बड़ा कप लाया मुझे बता। यार मैंने मैगी के लिए एक्चुअली लाया था, मैंने सोचा इसमें मैगी खाऊंगा मैं, ये मैंने दो चार दिन पहले ही लाया था। चेक आउट गाइस जाहिद भाई ये टूटने वाला है क्योंकि ये ठंडा था। आई थिंक लाइट आई इसकी, लाइट का पहले काफी सलामत रहे तो लाइट बाद में। ओ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, देखो 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 यहाँ से टूट गया। बट देख वो नहीं छोड़ रहा, चाय नहीं छोड़ रहा अभी है ना, लगता है इसमें। पहले देखते हैं इस चाय कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आप चाय का स्वाद बताइए कैसी बनी है। चीनी कम है? बेहतरीन चाय, बेहतरीन चाय, बहुत ही बेहतरीन चाय क्योंकि आपने खुद बनाई है। हाँ और उस ऊपर से क्यों, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत चीनी कम है, बहुत अच्छी है क्योंकि मैं चीनी बहुत कम पीता हूँ। तो तुम्हारे लिए अच्छी है नहीं है मुझे नहीं पता, बट तुम चीनी कम है। हाँ चीनी कम है, तुम मेरे साथ मैं डालूंगा। हाँ तुम अब ऐड कर सकते हो इसमें चीनी, कोई बात नहीं, बट मेरे लिए बहुत बेहतरीन चाय। ठीक है तो ऐसे ही पी लूंगा। ठीक है बट किस चीज की दिक्कत है? एक ही चीज की दिक्कत है, बिस्किट नहीं हमारे पास। मम्मी बोल रही थी रोटी साथ ले जाओ, मैंने बोला क्या। तो अभी हम जा रहे हैं जो दूसरी बस्ती बताई गई है वहां पे जा रहे हैं, और आशिफ भाई मेरे पीछे। और टेंट को हमने वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पे हमने रखा था उसे, क्योंकि हमने उसको बंद नहीं किया, वहीं पे रखा हुआ है। बस यार यहाँ से जाना है हमें, अभी कुछ पता नहीं है आगे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें। बट भाई साहब नज़ारा देखो। आशिफ भाई अरे वहाँ क्या कर रहा है तू? यार ये देखो यार पागल है यार, तुझे मैं बोला वहाँ से मत जा, देख वहाँ से गिर जाता है नीचे फिर। यार गिरने वाला था यार, तू लाया क्या जूता पहनने को? ये वो टिकड़म लाता तू।
इसको कश्मीरी कहते हैं टिकड़म, जो टिकड़म शूज होते हैं, ये टिकड़म शूज लेके आया हुआ है और ऊपर से बंदा ट्रैकिंग पे जीन्स लेके आ चुका है, क्या ही बताएंगे यार। अब आराम से चल यार, आराम से आराम से आराम से। बस 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 वहां से खाई है वही बस। चलिए जी यार, तो गाइस टेंट हमने बंद कर दिया और अभी हम चल रहे हैं वापस। आसिफ भाई ये है क्योंकि यार, हाँ जी सिटिक जी सर, तोड़ना पड़ेगा कहीं से कुछ, कपड़े खराब हो जाएंगे। रुक देखता हूँ देखता हूँ, क्योंकि यार भरोसा नहीं कर सकते, टेंट उठा भी सकता था कोई, वहाँ पर सामान बहुत सारा था इसमें, कोई भी ले सकता था, तो इसलिए हमने सोच लिया कि नहीं हम साथ ही लेंगे इसको और जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हम वहीं पे लगाएंगे दोबारा टेंट। तो कितना ही टाइम लगता है, 10 मिनट तो लगते हैं लगाने में, कोई बात नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर, तो किन किन जंगलों से गुजरना पड़ रहा है भाई साहब। वैसे भाई देखो कहाँ दिख भी नहीं रही क्योंकि बहुत हिडन एरिया है। ओ भाई साहब, ओ अभी हम एक नहर पे पहुंचे जो पहले बताया गया था। अरे आसिफ भाई जा रहे हैं, तो आसिफ भाई क्या बोलने वाले थे कि हाँ गाइज तो मैं फेंसिंग प्यार कर रहा हूँ और मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तो ये ले तू पहले फोन। जी बिल्कुल, और ये कमल भी ले। चलो जी दे दो, बस मुझे बताना मैं ठीक जा रहा हूँ। हाँ ठीक जा रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे 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 चलो चलो आ जाओ। ओके पार अल्हम्दुलिल्लाह। चले यार अब मसला ये रहा ना, हम किस रास्ते जाएं? दो रास्ते हैं, एक यहाँ से रास्ता है एक यहाँ से रास्ता है, तो जाएं किस रास्ते? फुटप्रिंट किस तरफ है? फुटप्रिंट अच्छा इस तरफ, इस तरफ हाँ इस तरफ। मगर ये पता नहीं है ना कि आने का भी हो सकता है जाने का भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। ओकस बुक्स करें? नहीं ओकस बुक्स नहीं करते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। वहाँ पे हाई है ना, तो वहाँ पे देखते हैं, नज़र मारते हैं, देखते हैं अगर दुआ वुआ कुछ आया ना तो। बाकी आराम से चलना, नीचे कीचड़ है। कैमरा ठीक नहीं था, अपने ऐसे बताते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पे, वो थोड़ा हाई एरिया है, वहाँ पे देखते हैं, थोड़ी हाइट है वहाँ पे, हम नीचे देखेंगे कि अगर वहाँ पे कहीं से धुआं उठ रहा था तो फिर हम उसी तरफ से जाएंगे, अगर नहीं फिर हम रिवर्स वापस चले जाएंगे जो पीछे रास्ता था, फिर वहीं से जाएंगे। ये तो तीन पंजे और मतलब टोटल चार पंजे हैं। हाँ एक ही जानवर के हैं, बट हम वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? हाँ उस तरफ नहीं जा पाएंगे। नहीं क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है बस किसी जानवर ने क्रॉस किया हुआ, जो पंजे हैं यहाँ पे पता नहीं है किसके पंजे हैं, हमें नहीं पता इतना, तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पंजे है ही नहीं मेरी जान। हाँ। तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं, इसको छोड़ते हैं ऐसी, फिर एरिया यही हो या कोई और हो हमें इससे कुछ नहीं लेने देना, हम जा रहे हैं वापस। जा रहे हैं क्योंकि कहाँ पे कहाँ पे तेरी मर्जी, अगर तू जाता है तो चलते हैं। तो पहले आसिफ भाई बोल रहे हैं रील उठाएंगे फिर हम वापस आते हैं। बढ़िया, डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ से पंजू के निशान बता दे रहे हैं कि ये हिडन प्लेस है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है, या तो बालू है। वो देखो वो देखो वो देखो उस पेड़ पे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे 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 उधर कैमरा थ्री टर्न कर, मैं दिखाता हूँ जूम करके, जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखो अरे भालू है, पागल भालू है ना? हाँ हाँ भालू है, वो भालू है यार। यहाँ से तेरे फोन से, तू अपने फोन से करना जरा, मैं अपने फोन से करता हूँ। ये देखो पेड़ पे भालू बैठा है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, मेरी उंगली नहीं दिखेगी यार, कहाँ से दिखे? मैं डर गया। ये भालू है, पर शोर मत कर गाइस, भालू भालू शोर मत कर। देखो देखो भालू वहाँ पे बैठा है नीचे, तुझे दिख रहा है कहाँ पे? मुझे अचानक से देखा, मैंने मुझे लगा ना कुछ है वहाँ पे, उसको भी हमारी तरफ ध्यान नहीं है, अभी उस तरफ देख रहा है। नहीं यार रील गई बाढ़ में, रील बाद में बना सकते हैं, बट हम वापस जा रहे हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं और हम इसी रास्ते को देखें। अच्छा तू पीछे नज़र मारते रहे ना, कहीं वो हमें लोकेट तो नहीं कर रहा, ठीक है? नहीं सोया था एक्चुअली, उसकी नज़र हम पे नहीं पड़ी, जो तू चिल्लाने लगा था ना वो मसला हो रहा था। मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ कि चिल्ला मत चिल्ला मत, चिल्लाने से हमारी दिक्कत हो जाएगी,
तो अभी हम जा रहे हैं वापस, चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर आगे। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, पूरी कुलगाम सिटी यहाँ से दिख रही है। अभी हमें वो बस्ती भी मिली है, बस हम टॉप पे आ चुके हैं। तो आसिफ भाई ये रहे, अभी हम टॉप पे चलते हैं। मैंने आसिफ भाई के हाथ में कोई सामान नहीं दिया इसलिए क्योंकि उनसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है। ओ भाई, अरे यार माशाल्लाह। तो गाइस अभी हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं और ये आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगा। क्या आसिफ भाई, पार्ट टू में देखना नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पार्ट टू जो आने वाला है कसम से आपने वो नजारा नहीं देखा होगा। और कर दो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे पार्ट के लिए वेट कर लो। और दूसरे पार्ट के लिए वेट करो। और सुनो जी, और सबसे बड़ी बात, जो पार्ट टू है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जो आपने नीचे देखा वो बेहतरीन था, बट अब जो ऊपर है भाई थोड़ा सा नजारा दिखाते हैं। थोड़ा सा अब पार्ट टू, और पार्ट टू आएगा दो दिन बाद आएगा 8 बजे। तो चलिए जी, पार्ट टू के लिए वेट करिए और पार्ट टू आपको मिल जाएगा।